अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, नजमुल आ रहा है तो देखते हैं फिर कहाँ जाना है, कहीं तो जाना है, मतलब मौसम अच्छा हो रहा है तो वो परी चौक पहुँचेगा। मैं भी पैदल जा रहा हूँ परी चौक। गाइस, दिल्ली NCR में रोड उतना ही क्रॉस करना मुश्किल है जितना इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स सॉल्व करना, लेकिन कोई नहीं, स्टिल ट्राई तो करेंगे। फाइनली कर लिया। गाइस, तो हम लोग अभी बोटेनिकल बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। मैं तुम्हें बताया नहीं अभी तक कि कहाँ जा रहा हूँ, वैसे तुम थंबनेल में देख ही लोगे कि कहाँ गया हूँ मैं। बस ऐसे ही मन कर रहा था, ये कभी DLF घूमा नहीं था तो हम लोग DLF आए। मौसम भी आज सही हो रहा है, नहीं मिला घूमने का, ठीक है तो आप थोड़ा फ्री हो गए तो DLF आए हो इसके साथ। और ये तो यार मतलब मेट्रो के पास लेके गए, नहीं तो पैदल ही चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोमीटर है बोटेनिकल सर, ये देखो अभी कहाँ 1 किलोमीटर का रास्ता है, तो जाते हैं वहाँ पे, एंजॉय करते, कुछ खाते पीते, फोटो वोटो क्लिक करवाते, फिर आ जाएंगे अपना। बस मौसम भी बहुत सही हो रहा है यार, बिल्कुल भी। गाइस, बहुत दिनों बाद टोटो पे बैठे हुए हैं जो। हाँ, आदत है बाइक से घूमने की, इसमें भी बहुत मज़ा आ रहा, अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये क्या हो, तो हम लोग पहुंच चुके हैं। ये लोकेशन देख लो, कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है भाई। ये लोकेशन देख लो और गेस कर सकते हो ये बिल्डिंग का कलर से कि मैं कहाँ पे आया हूँ। और लोकेशन काफ़ी अच्छा है, फोटो वोटो क्लिक करवा लिया। अभी अंदर जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं फिर क्या होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया, इतना प्यारा लोकेशन है यहाँ पे। गाइस, तो गेस करो मैं कहाँ आया हूँ। तो देखो एंट्री करते हुए हमें क्या मिला, ये कार लगा हुआ मर्सिडीज बेंज, पता नहीं शायद तेल के लिए लगा रखा है, ये मैं भी शो के लिए, पता नहीं। 25 ईयर्स पहले ग्राउंड घूमते हैं ना, फिर फर्स्ट फ्लोर चलेंगे। हाँ, पहले ग्राउंड घूमते हैं। बहुत ज़्यादा है, ठंडा लग रहा है, चिल्ड है। कैसा लग रहा है नजमुल? गाइस, 2 चक्कर काटने के बाद हमें वो लोकेशन मिला नहीं जो मैं ढूंढना चाहता था। वहाँ से एक सिनेमैटिक शॉट लेना था मेरे को, लेकिन मिला नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे से सारे स्टेयर्स दिखते हैं, मैं कहाँ पे आया मुझे पता नहीं चल रहा बिल्कुल। सेकंड बार आया हूँ ज़्यादा, मेरे को मतलब यहाँ पे घूमा हुआ हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो वाला लोकेशन है कहाँ। आप सब जा रहे हैं तो सेम ही लग रहा है कुछ भी, ठीक है। वैसे गोल गोल सा घूमा हुआ है ना, तो कोई बात नहीं, हम जाके वहाँ पे देखते हैं। गाइस, यहाँ पे इतने रईस लोग आए हुए हैं ना कि मुझे बहुत लग रहा है कि भाई हम क्यों आए यहाँ पे, हमारा काम क्या है यहाँ पे, हम तो बस देखने के लिए आए हैं, हम तो कुछ कर भी नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हम तो कोई बात नहीं कर सकते, ये सब रईस लोग हैं, बहुत महंगा यार है हम सच में। सारी चीजें खाने वाला चीज ना भाई, 500-600 तो स्टार्टिंग है, खाने वाले का गाइस। ये वो लोकेशन है देखो, ये सबसे लंबा स्टेयर्स है भाई यहाँ का, है ना, ये भी लंबा है, नीचे नहीं, नीचे वाला तो ठीक है। गाइस, मैं ये लोकेशन की बात कर रहा था, मुझे मिल गया। क्या हो गया, फेस क्यों छुपा रहे हो? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। गाइस, तो बहुत ज़्यादा भूख लग गया, तो हम सोच रहे कुछ खा ले जाके, तो नीचे जाके खाएंगे, ठीक है, कुछ अच्छा क्योंकि
सच्चाई यही है कि आप बहुत ज्यादा महंगे हैं। हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। तो हम कुत्ती का पड़ेगा, तो हमने डिसाइड किया कि नीचे जाके खाएंगे बाहर। गाइस तो अभी हम लोग जा रहा है, शोरूम से निकल चुके हैं और बहुत सारा शॉपिंग कर लिया यार, मतलब काफ़ी बजट हिल गया मेरा। 21,000 का शॉपिंग कर लिया भाई, सही बताओ तो। ठीक है, मतलब इतना पसंद आ गया था कि रिजेक्ट करने लायक नहीं था, तो कोई नहीं, खरीद लिया। बैग में सारा सामान रख रखा, घर जाके दिखाऊंगा क्या क्या खरीदा है। भाई सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। बजट नहीं था हमारा बहुत, मतलब मेरे पास कोई सब नहीं है कहने का। पाँच अंडर 5 मिनट में जारा से बाहर निकल गया शॉपिंग करके। ठीक है, तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ हम लोग ऐसा कर सकते। अबे साले, हाय गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं। जोर से, फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग है, फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉगिंग है ये। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, बस बाहर आके एक ही चीज फील हो रहा है यार, गर्मी गर्मी से पता नहीं पूरा एकदम लग रहा है कि यहाँ चल रहा था ना। अभी ऐसा करते हैं कुछ खाते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ जीआईपी चले जाऊँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे रुका तो नहीं, ठीक है, घूमे थे हम लोग। और तो मैं सोच रहा हूँ जीआईपी चले जाऊँ, काफ़ी अच्छा लगा। 2,000 फुट यहाँ पे बाहर नहीं बिल्डिंग, मैं बाहर भी खा सकता था लेकिन जिम वाले ने मना कर रखा, खाना पड़ रहा है घर का खाना। मेरे हिसाब से तो कहीं भी बाहर जाओ तो अपने घर का खाना लेकर जाओ, इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। बॉइल चावल स्लैब सोयाबीन, मतलब अच्छा से फ्राइड करके पुलाव टाइप बना लो। गाइस तो हम लोग जयपुर में एंट्री कर रहे हैं, अभी बाहर तो बहुत गर्मी है, इतना अच्छा भी गर्मी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार, मौसम का नहीं भाई, मौसम ठीक है, धूप नहीं है लेकिन फिर भी दिमाग ख़राब कर रखा है, इसमें पसीना चल रहा बढ़िया। अब यहाँ पे अगर मास्क ढूंढेगा ना तो भाई बिना मास्क के आ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। देखते हैं यहाँ पे बिना मास्क चले यार, DLF में तो मैनेज कर लिया, वहाँ भी बोला कि मास्क कहाँ है, मेरे बैग में, बैग में लगा लूँगा। देखते हैं यहाँ पे क्या है, पहली बार आ रहा हूँ, चलो। गाइस तो ये है पूरा, भाई हम लोग तो GIP पहुंच गए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पैर में पेन हुए हैं यार, सही होता है ये बूट वाला सूट पहन के ना, इतना ज़्यादा चलने का है नहीं, तो अभी मैं थोड़ा बैठा हूँ नीचे, थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं। अब तो कहीं प्लान है नहीं, ये दो मॉल घूम लिया फिर घर जाएंगे। यहाँ पे उतना मतलब रस नहीं है, ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है, मतलब नॉर्मल सा लग रहा है। और उसमें जाने के वजह से थोड़ा सा फील हो रहा था कि हाँ कुछ तो न्यू है उसमें, यूनिक है, लेकिन इसमें यूनिक वगैरह है नहीं ज़्यादा। गाइस दिल्ली में और हर जगह सिर्फ एक ही ऐसा चीज़ जो फ्री की सेवा मिलती है, वो है टॉयलेट। बस यही एक ऐसा है जो फ्री मिलता है यहाँ पे, बाकी हर चीज़ के पैसे लगते हैं, तो फ्री का उसको यूज़ कर लेना चाहिए, इसलिए हम लोग यूज़ कर लिए इसको। गाइस तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बोटैनिकल गार्डन, बस का वेट कर रहे हैं। देखो ये बहुत ही थक गए हैं भाई हम दोनों, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो सोचे थोड़ा रिलैक्स करते हैं, माउथ फ्रेशनर लिया अभी। तो गाइस जब भी थोड़ा थकान हो तो सुबह कैसे खा लिया करो। ये कोई अपनी पेड प्रमोशन नहीं था, बैठ चुके हैं सब, तो चलते हैं बैठे, चल 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 बस छूट जाएगा। गाइस अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो, अगर मज़ा आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।